हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जेई मीन्स अप्रैल वाला यार अब फाइनली पोस्टपोन हो चुका है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया कि जेई मेन अप्रैल इज नाउ पोस्टपोन। अब जेई मीन्स अप्रैल में नहीं होने वाला है। और अगर आप जेई मेन एनटी के साइट में जाते हो तो वहां साफ एक बड़ी सी नोटिस आई है कि अब जब भी होगा आपका जेई मीन्स, उसके 15 डेज प्रायर, उससे पहले आपको नोटिस दी जाएगी। सो अभी कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि अब अप्रैल वाला कब तक जा शिफ्ट हो सकता है, मई वाला कब तक शिफ्ट होगा, ये भी अभी हमको पता नहीं है। सो अपने को सिर्फ इतना पता है कि अब हमको सिर्फ प्रिपेयर करना है जेई मेंस के लिए। जब भी होगा उसके 15 डेज पहले आपको नोटिस दी जाएगी। अभी इसका भी कंफर्मेशन नहीं है कि अब दो बार मौका मिलेगा कि एक बार मिलेगा। जो भी होगा वो आपको पेपर के 15 डेज पहले बताया जाएगा। अगर केसेस बहुत ज्यादा लेट गए, मतलब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते गए और हमारा एग्जाम बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो हो सकता है कि आपको दो में से अब सिर्फ एक मौका मिले। लेकिन अगर जल्दी ही हो गया, एक दो महीने के अंदर, तो आपको हो सकता है कि आपके दोनों जो अटेम्प्ट है वो आपको मिल जाए। सो अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। सो अब आपको करना क्या है, अब यार जो भी प्रिपरेशन करे थे, जिनको टाइम की बहुत कमी थी, वो बस स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है यार बाकियों के साथ कंपीट करने का। अपना चैप्टर स्ट्रांग करो एंड प्लीज लेजी मत हो जाना कि अब मेरे को नहीं पता है जेई मेंस कब है भैया, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, दो चार दिन मूवी वूवी देखता हूँ, तो ये वाला सीन मत कर देना। बिल्कुल जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो। हो सकता है कि तुम्हारा केसेस कभी भी कम हो जाए, तुम्हारा अचानक से पेपर हो जाए, तब तुमको पछतावा ना हो। सो और जो सिलेक्शन में तुम्हारा 180 आ रहा था उसको 220 खींचो, 220 को 240 खींचो, जो चैप्टर नहीं आता उसकी उसको फाड़ दो। लेकिन भाई अब और अच्छे से पढ़ो और लेजीनेस बिल्कुल भी मत दिखाना। जिनका तैयारी हो गया तो वो और लंबे रैंक के लिए छलांग मारेगा। तो प्लीज डोंट बी लेजी, कीप वर्किंग हार्ड। और जेई मेंस जब भी होगा आप उसमें से सबसे लंबी छलांग लगाना, उस वाले बंदे में से तुम रहना। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, टेक दिस एज अ पॉजिटिव एंड कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज यार सेफ्टी ज्यादा जरूरी थी और बहुत लोगों का डिमांड था कि जेई मेंस मस्ट बी पोस्टपोन, तो वो फाइनली हो गया। नीट पीजी भी हो गया था, बोर्ड्स वगैरह भी कैंसिल पोस्टपोन हो गए, सो फाइनली जेई मेंस भी हो गया है। और एडमिट कार्ड वेट कर रहे थे बट एडमिट कार्ड तो आया नहीं, सीधा जेई पोस्टपोन हो गया। सो आप लोग इसको एज अ पॉजिटिव लोग पढ़ो जान लगा के और सिलेक्शन को अपने सेफ जोन पे ले जाओ। सो दिस वॉज द अपडेट। कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।